तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अपना कल का थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जो थे। आज का जो टॉपिक होगा वो थोड़ा सा उसी के आगे का होगा, तो नोट करके लिखते हुए चलना। नोट करके दो पॉइंट लिखवा देता हूँ, कल लिखवाया था एक्चुअली, लेकिन एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट जा रहा है बहुत ज़्यादा, इसलिए एक बार और लिख लेना इसी के साथ साथ। तो लिखना पहला पॉइंट इसमें, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लिखना, एनोड गेट थिन एंड थिन व्हाइल कैथोड गेट थिक। ठीक है, ये कल लिखवाया था लेकिन एक बार और लिखना नोट में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होते जा रहा है। दूसरी पॉइंट लिखना, सुनना, क्योंकि ये क्वेश्चन किसी ने पूछा, क्योंकि ये तुम लोगों को बाहर से मिल जा रहा होगा कहीं से सोर्स, जैसे ही तुम लोगों ने देखा होगा उसमें या टेंथ में, सोर्स बाहर से अगर नहीं होगा तो टेंथ में तुम लोगों को ये नहीं ये देखा होगा कि ये अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है। कल हम लोगों ने इसको एनोड लिखा था, तो किसी ने क्या पूछा, सुनना, कि सर कैथोड पॉजिटिव होता है ना? नहीं, यहाँ दो टाइप के सेल होते हैं, एक केमिकल रिएक्शन करा के हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करा रहे हैं, और दूसरा जिससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे के केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस कराएंगे। जैसे कभी कभी ये दोनों सेल एक ही सेल के अंदर आते हैं, जहाँ पे बोला जाता है कि मोबाइल का बैटरी देख लो, एक एग्जांपल, मोबाइल के बैटरी में हम लोग अभी मोबाइल की बैटरी को यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ केमिकल रिएक्शंस हो रहे होंगे जिससे कि एनोड कैथोड पे चार्ज आ रहे होंगे, सोचते जाओ, और उस चार्ज से हम लोग मोबाइल चला रहे हैं, जिससे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, जिससे लाइव आ रहा हूँ, ये सारी मोबाइल की केमिकल रिएक्शंस होने की वजह से चार्ज है। अगर मैं चार्ज खत्म हो जाएगा तब क्या करूँगा, तब उसी को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करूँगा, इलेक्ट्रिसिटी जाएगा और फिर उस केमिकल रिएक्शंस को जो आगे बढ़ के पॉजिटिव और निगेटिव लाया है उसी को तोड़ेगा, उसको तोड़ने से फिर से वो केमिकल जैसा था पहले वैसे ही शेप में आ जाएगा, जिससे कि फिर से सेल चार्ज हो जाएगा, मतलब फिर से केमिकल रिएक्शन करने को तैयार हो जाएगा, इसको बोलते हैं चार्ज हो जाना। वो हम लोग 12th में देखेंगे, एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेसन ही है, उसमें अच्छे से देखेंगे इसको। तो उसमें जब हम लोग चार्ज निकाल रहे हैं, सुनना, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, पॉजिटिव को बड़ा वाला से दिखाते हैं, निगेटिव को छोटे वाले से दिखाते हैं, ठीक। तो जब हम लोग चार्ज निकाल रहे होते हैं, बैटरी नहीं देना यहाँ पे बल्ब देना है, जब हम लोग चार्ज निकाल रहे होते हैं तब ये एनोड कहलाता है, लेकिन जब चार्ज दे रहे होते हैं तब ये कैथोड कहलाता है। क्या कहलाता है? कैथोड। तो ये उल्टा है थोड़ा सा, इसमें याद करने के लिए, सर कभी कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा, मैं याद करने के लिए एक अच्छा सा पॉइंट बताता हूँ। गैल्वेनिक सेल याद रखोगे ना, ये गैल्वेनी नाम का साइंटिस्ट था, गैल्वेनी और वोल्टा, दो साइंटिस्ट थे, गैल्वेनी और वोल्टा, उन्होंने मिलकर इसका रिसर्च किया था। कौन कौन साइंटिस्ट थे इसको लिख लेना नोट में ही, गैल्वेनी एंड वोल्टा मेक द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। सो दिस सेल इज ऑल्सो नोन एज गैल्वेनिक सेल और वोल्टास सेल, वोल्टास और गैल्वेनिक, और नाम था गैल्वेनी, GALVANI, और वोल्टा VOLTA, वोल्टा, ठीक है, नाम थोड़ा खतरनाक था लेकिन क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, जो भी है एडजस्ट करो। तो गैल्वेनिक सेल में ऑक्सीडेशन जो होगा, ऑक्सीडेशन वो एनोड पे होगा और एनोड वाला निगेटिव होगा। थोड़ा सा ये कोडवर्ड है जिसमें लिखा हूँ GOAN, गोवा नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? पढ़ने के बाद चले जाना, अभी गोवा नहीं जाना। तो गोवा नहीं जाएंगे याद रखोगे तो तुम लोग को थोड़ा सा सहूलियत मिलेगी, क्योंकि क्वेश्चंस में रिएक्शन दिया रहता है। सुनना, ये चार ऑप्शंस दिया रहेगा, जिंक से जिंक 2+ जाना, कॉपर 2+ से कॉपर जाना। अब बोलेगा इसमें से कौन सा रिएक्शन एनोड पे हो रहा है, देखो क्वेश्चंस की लेवल थोड़ी सी अबव, लेकिन इसमें दम नहीं है, इसमें बोलेगा एग्जाम्पल ये लिखना जरूरी, एग्जाम्पल में कि इसमें से कौन सा रिएक्शन एनोड पे हो रहा है। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे प्लस का बढ़ना ऑक्सीडेशन, ये प्लस का घटना रिडक्शन। हमको पूछा एनोड पे इन गैल्वेनिक सेल, नहीं तो इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अगर देते, दूसरे सेल की बातें करें तो उल्टा हो जाएगा, तो उसको अभी हम लोग नहीं देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं, वहां पे उसको अच्छे से क्लियर करेंगे। लेट जुड़ने पे दिक्कतें आएंगी राम। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, हम लोग गैल्वेनिक सेल में गोवा नहीं जाएंगे, कोड याद किया ना, गोवा नहीं जाएंगे, गोवा जाएंगे जहां याद किए गलत, इसलिए गोवा नहीं जाना है, किसी को भी नहीं जाना है जब तक पढ़ रहे हो, जाना तो मेरे को भी लेके चलना। सुनना, GOAN
मतलब गैल्वेनिक सेल में ऑक्सीडेशन जो होना चाहिए सर एनोड पे होना चाहिए, एनोड पे। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन इसका हो रहा है, तो ये एनोड पे हो रहा होगा सर, क्योंकि ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन एनोड पे है, तो ये कैथोड पे होगा। देखो इस एग्जांपल को जरूर लिखना है यहाँ पे, कुप्चा में इधर जी ओ ए एन जरूर लिखना कि ये सब कहाँ से सर्च करके लाए हो, कि एनोड पे है कि कैथोड पे, रटना है क्या सर? नहीं, जी ओ ए एन को रटना है और किसी चीज़ को यहाँ पे रटने की जरूरत नहीं है, मैं कोडवर्ड दे चुका हूँ। अगर इसके अलावा कोई और कोडवर्ड आता है, जैसे बुक्स में लिखा मिलेगा एल ओ ए एन, लोन, लोन याद रखो, ये गलत होता है थोड़ा सा, आगे चल के मैं बताऊँगा कहाँ गलत होगा, सारे बुक में यही दिया होगा ठीक है, लेकिन इसका एक्सेप्शन है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं, ये मैं बनाया हूँ इको फ्रेंडली तरीका में ठीक है। तो इसको रखो, इसको मिटा दो ठीक है, ये थोड़ा सा लिख लेना, क्लियर हुआ। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कल क्या बताया था, एनोड निगेटिव वाले कहेंगे, इस पर ऑक्सीडेशन होगा, आज लिखवा दिया थोड़ा नोट करके, ये कल बता दिया था लेकिन आज नोट करके लिखवाया कि एक जगह समराइज हुआ। कैथोड इसको बोलेंगे जिसका चार्ज पॉजिटिव होगा, सुनना यहाँ पे, जी ओ ए एन से क्लियर हो रहा है निगेटिव होगा एनोड और एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, तीनों चीज़ें एक साथ क्लियर होती है, काम का चीज़ है ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ थोड़ा सा। अब कल क्या पढ़ा था थोड़ा सा देखना, ईएमएफ ऑफ द सेल पढ़ा था, ईएमएफ ऑफ द सेल में था ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन, ये जल्दी कहीं नहीं मिलता है, ये जो फॉर्मूला मैंने जो कल लिखवाया था ये भी जल्दी कहीं नहीं मिलता है, ये मिलता कैसे है सर, सुनना क्या मिलता है, E नॉट एनोड माइनस E नॉट कैथोड, ये बुक्स में मिलेगा, क्योंकि तुम लोग बुक्स को ज़्यादा ही फॉलो कर रहे हो तो थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन सेराइज हो रहा है तुम लोग दिमाग में, सर ये वाला मेरे से नहीं बन रहा है, ये वाला कुछ ऐसा दिया है, मैं जो दे रहा हूँ ना उसको लेके रखो, पंच होगा, कहीं भी एक्सेप्शन नहीं आएगा उसका, बाकी सबका एक्सेप्शन आ रहा है, देखते चलना ये सब। और बुक्स में क्या दिया है, किसी किसी बुक्स में E नॉट लेफ्ट माइनस E नॉट राइट, सुनना ये भी सही है, दोनों सही है, ये एनसीईआरटी का है, ये भी एनसीईआरटी में लगभग दिया हुआ है, लेकिन ये किसी शायद एनसीईआरटी में नहीं है, दूसरे बुक्स में, ये एनसीईआरटी का है, ई एनोड माइनस ई कैथोड, बिल्कुल सही है, लेकिन इसकी गलती होने की चांसेस कहाँ है, सुनना क्वेश्चन से देखते हैं इसकी गलती होने की चांसेस कहाँ है। इसको तीनों को लिखना, तीनों को लिखना, सारे नोट्स पॉइंट चल रहे हैं सब, कल जो भी पढ़े हो उसकी समराइज नहीं करोगे तो क्वेश्चंस फिर नहीं बनेंगे। कल ही मैंने बोला था कि क्वेश्चंस बनाने के लिए हम कल बात करेंगे, आज बिल्कुल ही नहीं बात कर रहे हैं ठीक है। कल कंसेप्ट देखा, आज देखना थोड़ा सा, अब यहाँ पे क्या टेंडेंसी अलग हो रही है सुनते जा थोड़ा सा। अगर मैं क्वेश्चन दूँ सर ZN से ZN2 प्लस जाने के लिए 0.76 वोल्ट है EMF, और EMF CU से CU2 प्लस जाने के लिए 0.34 वोल्ट है माइनस में, सुनना माइनस में, और रिएक्शन दिया है जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस गिव्स कॉपर प्लस जिंक 2 प्लस, फाइंड ईएमएफ ऑफ द रिएक्शन, सेल रिएक्शन है, किसी सेल में ये रिएक्शन हो रहा है, जैसे कल सेल देखे थे उसमें यही रिएक्शन हो रहा था, और डिफरेंट रिएक्शंस आज देखेंगे बहुत सारे, किसी सेल में ये रिएक्शन हो रहा है, इस सेल कितना ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा ये बता दो, ये क्वेश्चन है। अब सुनना, इस सेल में ऑक्सीडेशन सर जिंक का हो रहा है, तो यहाँ पे ई नॉट सेल जब लिखेंगे तो सबसे पहले ध्यान देना होगा कि ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ये एनोड होगा, बोलो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो मतलब ये एनोड होगा ठीक है, तुम लोग साफ साफ लिख लेना बाद में इसको। यहाँ पे इसका रिडक्शन हो रहा है मतलब ये, सॉरी यहाँ पे इसका रिडक्शन हो रहा है मतलब ये कैथोड होगा, बोलो चलेगा क्या, चलेगा ठीक है। अब देखना थोड़ा सा इस चीज को, ई नॉट सेल कितना हो जाएगा इसका, E नॉट सेल इज इक्वल टू E एनोड माइनस E कैथोड करते हैं तो बिल्कुल सही है, चलो ठीक है लिख लेते हैं। E एनोड, एनोड पे ये होगा, लिख लिया मैंने, एनोड पे ये होगा 0.76 वोल्ट सर, सही है, माइनस E कैथोड, कैथोड पे ये होगा कॉपर वाला माइनस 0.34 वोल्ट, सही है, ये हो जाएगा 1.1 वोल्ट, कल वाला आंसर आ गया ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ है, गलतियाँ क्या हो जाएंगी सुनना, ये जब आदत पड़ जाती है ना एनोड माइनस कैथोड, एनोड माइनस कैथोड, तो आंसर धका धका आता है। अब दिक्कतें ये होंगी कि यहाँ पे तुम लोग ये नहीं देखोगे, अगर यहाँ पे क्वेश्चंस में ये लिखने के बाद देखना, ये लिखने के बाद ठीक है, ये आंसर आ गया। इफ अगला एग्जाम्पल लिखना, इफ फॉर अबव सेल, इफ फॉर अबव सेल सुनना, ऊपर वाले सेल के लिए ई नॉट जिंक से जिंक 2 प्लस या फिर जिंक 2 प्लस से जिंक
-0.76 वोल्ट, और ई नॉट कॉपर से कॉपर 2 प्लस -0.34 वोल्ट, ठीक है ऐसा दे। तो तुम लोग क्या बोलोगे, ऐसा ही रिएक्शन लिखोगे। एनोड बोलोगे सर जिंक वाला है तो -0.76 वोल्ट, सुनना प्लस, और कॉपर से कॉपर वाला एक कैथोड है तो -0.34 वोल्ट, ये हो जाएंगे -1.1 वोल्ट। आंसर डिफरेंट हो गया, कारण कि यहाँ पे तुम लोगों ने समझा कुछ नहीं, बस फॉर्मूला लगाया। फॉर्मूला नहीं लगाने हैं, इधर से समझने हैं। क्या समझने हैं सुनना, ये वाले मैंने जो बोला कि ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन जो मैंने दिया है वो कैसे आसान है और कैसे हर क्वेश्चन के लिए वैलिड है, कहीं गलत नहीं होगा, ये चीज़ें मैं प्रूफ करके देता हूँ। यहाँ पे ये गलत हो गया ना, ये गलत हुआ ना, इसको तुम लोग गलत कर देना, ऐसे ऐसे ब्रैकेट करके इसको गलत कट करना और आगे लिखना करेक्ट आंसर। जैसे अच्छा नोट्स बना रहे हैं वो क्या बोलते हैं अपूर्व कुलकर्णी, अच्छा नोट्स बना रहा है, सब कुछ अच्छा से लिख रहा है, जहाँ पे इंपॉर्टेंट है वहाँ पे थोड़ा लार्ज करके लिख रहा है, नोट्स अच्छा है अपूर्व। तुम लोग भी अपना अच्छा नोट्स बनाओ, थोड़ा सा नोट्स के बारे में मैं थोड़ा सा चर्चा करूँगा, टाइम में मिलने दो, थोड़ा सा चर्चा करता हूँ, कोई इसमें जल्दीबाजी तो नहीं है, ठीक है। चलो आगे की देखते हैं थोड़ा सा, यही क्वेश्चंस के देखना। यहाँ दिया था ई नॉट जिंक से जिंक, सॉरी जिंक 2 प्लस से जिंक का, सर सुनना सर दिया था 0. माइनस में 76 वोल्ट, और ई नॉट कॉपर से कॉपर 2 प्लस का दिया था -0.34 वोल्ट। अब दिमाग लगाओ, तुम लोग को ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन वाले पे ही आना है, दिमाग लगाओ, क्योंकि दिमाग जब लगेगा तो गलती नहीं होगा। देखो कैसे दिमाग लगाना शुरू करना है। सर आपने ये चीज़ें कल बताई थी, जिसकी पोटेंशियल पॉजिटिव है वो अपने आप काम करेगा, और जिसकी पोटेंशियल निगेटिव है उसको उतना देंगे तब जाके जीरो आएगा, उससे अबव देंगे तब वो काम करना शुरू करेगा। क्लियर? यहाँ पे सर दोनों की निगेटिव है, तो मैं ये बोलूँगा ये दोनों में से कोई भी सेल अपने आप नहीं काम करेगा, इसको कुछ ना कुछ एनर्जी पहले देना होगा, ठीक है। अब वो बातें को हटा देते हैं, क्योंकि कुछ एनर्जी देने पर सेल काम शुरू करेगा। अभी सेल को काम शुरू नहीं करवाना है, हमको सेल का ईएमएफ फाइंड करना है, सेल काम शुरू कर दिया है तब का, क्या एनर्जी देना है उसको नहीं देखना है। देखो अभी अब बातें करेंगे वो चीज़ें, अभी सेल कब काम करना शुरू करेगा अपने आप की नहीं, अभी थोड़ी देर में देख लेते हैं। देखना यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे इसका ईएमएफ और इसके ईएमएफ में ज़्यादा कौन है, बड़ा कौन है, बड़ा तो ये बड़ा है। अब लोग सर 76 बड़ा होता ना, नहीं नहीं माइनस में है, तो माइनस में ये बड़ा है 0.3, माइनस में 0.7 प्लस माइनस में, तो 0.3 माइनस वाला बड़ा होता है, मतलब इसकी टेंडेंसी अपने आप थोड़ी ज़्यादा होगी काम करने की एज कम्पेयर टू दिस वन, क्योंकि वो छोटा है। तो ये यही काम करेगा जो कर रहा है, क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन, कॉपर से कॉपर 2 प्लस जा रहा है, सुनना तो ई नॉट कॉपर से कॉपर 2 प्लस जाना इसका 0.-0.34 वोल्ट हो जाएगा। ये जो कर रहा है वही करेगा, क्लियर है। यहाँ पे कुछ उल्टा हो रहा है, उल्टा दे दिया गया, एक मिनट थोड़ा सा रुकना, कॉपर 2 प्लस से कॉपर का होता है उतना, थोड़ा चेंज कर लेना, थोड़ा सा चेंज करना इसको, कॉपर 2 प्लस से कॉपर का लिखना। तो देखना ये कॉपर 2 प्लस से कॉपर जाने की पोटेंशियल इसकी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस वन, तो ये वही काम करेगा जो कर रहा है, मतलब जिसकी पोटेंशियल ज़्यादा होगी उसको उसी स्टेट में लिखेंगे जो काम कर रहा है, सुनना। तो यहाँ कॉपर 2 प्लस से कॉपर जाने का पोटेंशियल 0.34 ये रहेगा। अब इसको उल्टा करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसका भी रिडक्शन और इसका भी रिडक्शन, किसी सेल में दोनों का तो रिडक्शन हो नहीं सकता है, एक को ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा अगर एक को रिड्यूस करना है तो। तो यहाँ पे अगर ये रिड्यूस करेगा, क्योंकि इसका पोटेंशियल ज़्यादा है रिड्यूस करने की, तो इसको ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा, ऑक्सीडाइज मतलब उल्टा। तो यहाँ पे हमको जो चाहिए ई नॉट जिंक से जिंक 2 प्लस चाहिए, उल्टा चाहिए, लेकिन दिया है उल्टा, तो साइन चेंज कर देंगे उल्टा लिखने में, माइनस ऑफ -0.76, मतलब किसी सेल को एनोड से कैथोड है, कैथोड से एनोड करना है तो माइनस से इन मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.76 वोल्ट, क्लियर है। अब अपना ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन क्लियर करेंगे, और यहाँ से दोनों को ऐड करेंगे 0.76 वोल्ट प्लस ये माइनस, यहाँ पे इसको पॉजिटिव कर देना, सुनना थोड़ा सा, ये पॉजिटिव होगा, थोड़ा
हम लोगों को टर्म लेने में दिक्कतें आई हैं, प्लस 0.76 वोल्ट, ये आ जाएगा अपना 1.1 वोल्ट। यहाँ पे प्लस 0.34 वोल्ट होता है जी कॉपर 2 प्लस से कॉपर जाने का, क्योंकि कॉपर से कॉपर 2 प्लस जाने का माइनस 0.3 होता था, कल देखा था आज भी देखा है, कॉपर से कॉपर 2 प्लस जाने का माइनस 0.3 होता है, तो कॉपर 2 प्लस से कॉपर जाने का प्लस 0.34 वोल्ट होगा। ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा समझ के करना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। अब इसमें एनोड कौन है, कैथोड कौन है, गया बाहर में टेंशन ही नहीं है। ठीक है कि एनोड माइनस कैथोड करना है, लेफ्ट माइनस राइट करना है, लेफ्ट मतलब पहले एनोड होता है इस साइड, देखो जब बीकर लेते हैं तो इस साइड वाला एनोड होता है, इस साइड वाला कैथोड होता है, इसीलिए लेफ्ट माइनस राइट आया था, लेफ्ट माइनस राइट आया था, क्योंकि इधर से घूम के देखेंगे तो ये लेफ्ट है ये राइट है, जिधर से तुम लोग बैठ कॉपी में लिख रहे हो अपने हाथ को लेफ्ट करो अपने हाथ को राइट करो, तो लेफ्ट वाले एनोड को देखे होगे और राइट हैंड साइड में कैथोड को देख रहे होगे। ठीक है, इसीलिए लेफ्ट माइनस राइट मतलब एनोड माइनस कैथोड चलेगा। मेडिकल 2015 में यही क्वेश्चन पूछा था, सेम टू सेम, ई नॉट सेल इज इक्वल टू, ऑप्शन दिया था ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ई एनोड माइनस कैथोड, ई एनोड प्लस कैथोड, ऐसा करके चार ऑप्शन दिया था, बोला था विच ऑफ फॉलोइंग इज रॉन्ग, ई ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, ये भी दे दिया था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस बन सकता है लेकिन छोटे लेवल के एग्जाम्स में, लेकिन बड़े लेवल के एग्जाम्स में ऐसे सॉल्व करने के लिए देगा, तुमको पता होना चाहिए किसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए किसका रिडक्शन। जैसे मैं एक और क्वेश्चन दूं, सुनना सुनना, सबका क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन में, एकदम आराम से क्लियर होगा, देखना। अगर मैं क्वेश्चन दूं, सुनना, एक्स से ई नॉट, एक्स से एक्स माइनस जाने का 0.32 वोल्ट है, मान लिया कोई एक एक्स है, कोई दिक्कत नहीं, एक्स मान लेंगे, और ई नॉट वाई से वाई माइनस जाने का 0.76 वोल्ट है, मान लिया कुछ है, ये जिंक और कॉपर नहीं है, अप्रोक्स माना है। ठीक है, अब सुनना सर, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, मतलब पॉजिटिव घट रहा है, निगेटिव में जा रहा है रिडक्शन, यहाँ भी रिडक्शन, क्लियर, ये क्लियर, अब रिडक्शन क्लियर है तो अब बताइए सर पोटेंशियल किसका है, दोनों तो रिडक्शन करेगा ना एक रिएक्शन में, एक ही रिएक्शन में दोनों का रिडक्शन हो, ये तो पॉसिबल है नहीं, ये तो गंदी बात है ना, एक ऑक्सीडेशन तो एक रिडक्शन। अभी बातें आएंगी, अगर इसका रिडक्शन हो रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए, इसका ऑक्सीडेशन तो इसका रिडक्शन, अब रिडक्शन करेगा कौन, तो सर जिसका पोटेंशियल ज्यादा है वो रिडक्शन करेगा, समझ में आया हाँ, जिसका जो पोटेंशियल, ये रिड्यूस करने की पोटेंशियल इसकी इतनी है और इसकी रिड्यूस करने की पोटेंशियल इतनी है, तो इसकी ज्यादा पोटेंशियल रिड्यूस करने की एज कम्पेयर टू दिस, तो ये रिड्यूस करेगा, इसको ऑक्सीडाइज करना होगा, ये समझ में आ गया होगा, जब आ गया तो आराम से लिखो, देखो E नॉट सेल, देखो शॉर्टकट में आंसर, डायरेक्ट आंसर E नॉट सेल, और तुम लिखना भी नहीं है, डायरेक्ट करोगे, देखना E नॉट सेल इसकी रिड्यूस करने पोटेंशियल है, मतलब ये यही करेगा, इसको ऑक्सीडाइज करना मतलब इसको उल्टा करना, उल्टा करना तो इसका साइन निगेटिव से मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस हो जाएगा, जैसे ये माइनस ये पॉजिटिव दोनों को ऐड करेंगे तो इसमें से ये घट जाएगा, घट जाएगा तो ये 4.4 हो जाएगा, 0.4.4 वोल्ट, 0.44 वोल्ट, आंसर टिक करो, घर आओ मिलाओ, अरे वाह सही है, थैंक यू सो मच। ठीक है, देखो यहाँ पे यह आएगा E नॉट ऑक्सीडेशन प्लस E नॉट रिडक्शन, ये लिखने के लिए दे दे रहा हूँ, सॉल्व नहीं करने, अब तुम लोगों को दिमाग दे दिया हूँ, जितना जल्दी अप्लाई करना सीखोगे उतना ही अच्छा रहेगा। यहाँ पे E नॉट ऑक्सीडेशन किसका होगा, E नॉट ऑक्सीडेशन मतलब प्लस का बढ़ना, यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है तो इसको ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा, तो एक्स माइनस से एक्स प्लस, ये लिखने के लिए बोर्ड्स में, बोर्ड्स में, क्योंकि ये लेसन बोर्ड्स में है ट्वेल्थ के, याद रखना थोड़ा सा, ये लेसन आएगा बोर्ड्स के लिए, इसके बारे में भी और डिटेल पढ़ना है हम लोगों को, वहाँ पर पढ़ेंगे, अभी यहाँ पे क्लोज करेंगे इस लेसन को, ज़्यादा नहीं आगे करेंगे। E नॉट y से y माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस 0.32, बोलो इसको माइनस से कर देना, उल्टा कर रहे हैं, प्लस 0.76, आई थिंक सबको समझ में आया होगा, इसीलिए मैं खींच खाच के लिख रहा हूँ, खींच खींच के लिख रहा हूँ। अभी IIT एडवांस 2018 में ये क्वेश्चन पूछा कि सेल का, सुनना इसमें नोट करके अगला पॉइंट लिखना, नोट करके अगला पॉइंट, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट होगा, थोड़ा सा मैं इसको लेवल मिलाता हूँ थोड़ा सा, रिकॉर्डिंग तो एकदम ब्लैक हो चुका है, कुछ दिख नहीं रहा रिकॉर्डिंग में, वेरी गुड। चलो, फिजिएबल एंड नॉन फिजिएबल रिएक्शन, वेरी पुअर कंडीशन होने के चलते, वेरी पुअर मौसम होने के चलते रिकॉर्डिंग फुल ब्लैक है, लेकिन उसमें मैं स्मार्टनेस बढ़ा के दूंगा, जो भी दिखे तो छाप लेना, नहीं दिखे तो चलेगा, दिखेगा बोर्ड दिखेगा, मैं नहीं दिखूंगा। फिजिएबल एंड नॉन फिजिएबल रिएक्शन की बातें करूंगा, थोड़ा सुनना, फिजिएबल मतलब अपने आप होने वाला रिएक्शन, तो फिजिएबल रिएक्शंस आर कॉल्ड स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, दैट इज द रिएक्शन दैट कैन प्रोसीड बाय इटसेल्फ, क्लियर, इतना लिखेंगे, इज कॉल्ड फिजिएबल रिएक्शन। नॉन फिजिएबल में लिखेंगे इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, दैट इज
द रिएक्शन दैट कैन नॉट प्रोसीड बाय इट्स ओन इज कॉल्ड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. सुनना, फिजिबल रिएक्शन में एक पॉइंट लिखेंगे ई नॉट सेल. सुनना, जो होगा वो लेस देन जीरो होगा, सॉरी ग्रेटर देन जीरो होगा फिजिबल में. और नॉन फिजिबल वाले नीचे वाले लाइन में लिखना ई नॉट सेल लेस देन जीरो होगा. ये तो पहले ही तुम लोग को पता है, शुरू में ही बताया था. जिसका ई नॉट सेल पॉजिटिव है इसका मतलब वो अपने आप काम करेगा. जिसका ई नॉट सेल निगेटिव है इसका मतलब उसको उतना एनर्जी देंगे तब जाके वो इक्विलिब्रियम आएगा, उससे ज्यादा देंगे तो काम करेगा. ये तो उतना देर से बोलते हैं, तो ये क्लियर होगा. अगर ई नॉट सेल सर इज इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता है क्या? हो सकता है. इसी पॉइंट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम. द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम इज दिस ई नॉट सेल. ठीक है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू जीरो मतलब जितना तेजी से इधर से रिएक्शन आएगा उतना ही तेजी से इधर से रिएक्शन जाएगा, मतलब रिएक्शन अबाउट टू स्टॉप होगा. ठीक है, ये रिएक्शन लिखने के, ये पॉइंट लिखने के बाद अब शुरू करेंगे थोड़ा सा एग्जांपल्स. ठीक है, राइट डाउन द एग्जांपल, राइट डाउन द रिएक्शन विच इज नॉट फिजिबल. नॉट फिजिबल रिएक्शन लिखना है तुम लोग को. गिवेन दिया क्या है? सुनना, गिवेन इसी में तुम लोग का ब्रेन टेस्ट हो जाएगा. देखो अच्छा क्वेश्चन होगा, लेवलिंग वाला. ई नॉट एक्स से एक्स माइनस, इसका दिया है 0.82 वोल्ट मान लिया. ई नॉट वाई से वाई माइनस, इसका दिया है 0.38 वोल्ट. ई नॉट जेड से जेड माइनस का दिया है 0.62 वोल्ट. हम लोग को ऐसा रिएक्शन लिखना है, जितने भी पॉसिबल रिएक्शन हैं ऐसे रिएक्शन लिखने हैं जिनमें रिएक्शन फिजिबल ना हो. फिजिबल ना हो मतलब ई नॉट जो आने चाहिए वो निगेटिव आने चाहिए. अब सुनना, हमको जब ये रिएक्शन लिखने हैं, सुनना मैं हिंट देता हूँ, हिंट क्या दूंगा, सॉल्व हो जाएगा तुरंत के तुरंत सॉल्व होगा चुटकी बजाते. देखो कैसे हमको ई नॉट सेल सॉल्यूशन लिखेंगे फॉर नॉन फिजिबल रिएक्शन. ई नॉट सेल लेस देन जीरो या इज इक्वल टू निगेटिव, बोलो ये क्लियर है. नॉन फिजिबल के लिए ई नॉट निगेटिव होना चाहिए. ई नॉट निगेटिव होने के लिए सुनना क्या होना चाहिए, किसी छोटे अंक में से कोई बड़ा नंबर को माइनस करना होगा. छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस करना होगा, मतलब अगर ये छोटा नंबर है तो इससे बड़े नंबर को इससे माइनस कर दे तो काम हो जाएगा सर. मतलब इससे बड़ा कौन है? ये तो है नहीं बड़ा, इससे बड़ा ये है. अगर इससे इसको माइनस कर देंगे सर काम हो जाएगा. इसको माइनस में लेना है, सुनना, ये z से z माइनस लेना दे रहा है, मतलब इसको ऐसे ही रखेंगे सर और इसको x माइनस x कर देंगे तो ये माइनस में चला जाएगा. तो मैं बोलूंगा वेरी गुड, शार्प माइंडेड. ठीक है, शार्प माइंडेड मतलब सुनना, तो इसमें लिखेंगे टेक 1 and 3. ठीक है, तो यहां लिखेंगे e नॉट z से z माइनस प्लस e नॉट. E नॉट सेल अगर ऐसा बनाते हैं, सुनना, E नॉट जेड से जेड माइनस रहने देंगे, इसको उल्टा कर देंगे ताकि ये माइनस आ जाए. तो एक्स माइनस से एक्स, ये देखो जेड से जेड माइनस रिडक्शन, तो एक्स माइनस से एक्स ऑक्सीडेशन, मतलब ये सही है, मतलब ये सही है. तो ये एक रिएक्शन हो गया. अब रिएक्शन लिखना है तो सुनना रिएक्शन कैसे लिखोगे, रिएक्शन कैसे लिखोगे सुनना. जेड से जेड माइनस मतलब जेड इधर और एक एरो बनाना, जेड माइनस इधर लिखना. सुनना साफ साफ रिएक्शन लिखना सिखा देता हूँ, देखो कैसे. Z इधर लिखना, एरो बनाना, Z माइनस इधर. अब प्लस X माइनस से X, X माइनस इधर लिखना और X इधर लिखना, हो गया रिएक्शन. ये रिएक्शन का जो E नॉट होगा वो निगेटिव होगा, कितना निगेटिव होगा वो भी लिख देना तुम लोग निकाल के, समझ में आया. दूसरी चीजें ये ले सकते हैं, इसको फ्रॉम सेकेंड एंड फर्स्ट एंड सेकेंड, सुनना फ्रॉम, ये रिएक्शन लिखा. अब मैं हिंट देता हूँ, तुम लोगों को लिखना है घर पे फ्रॉम सेकेंड एंड फर्स्ट एंड सेकेंड. इसको ऐसे ही रहने देना और ये बड़ा वाला है, बड़ा वाला को माइनस कर देना, मतलब इसको उल्टा करना, काम हो जाएगा, समझ रहे हो ना. तीसरी एग्जांपल में बताता हूँ, सुनना, इन दोनों को लेना, इन दोनों में ये बड़ा है ये छोटा है, मतलब इसको ऐसे ही रहने देना, इसको उल्टा कर देना, इस ये भी फिजिबल रिएक्शन नहीं होगा, ये भी मतलब रिएक्शन अपने आप नहीं होगा. क्लियर, समझ में आ रहा है. इसको थोड़ा सा तुम लोग घर पे बैठ के बनाओगे और अच्छा समझ में आ जाएगा. इसको स्पेस छोड़ दो, जितना एक लाइन एक बनाने में जितना स्पेस लगा वैसा ही डबल स्पेस छोड़ो, क्योंकि तीन बनाने हैं, तीन नॉन फिजिबल है, बाकी सारे फिजिबल होंगे. क्लियर है. अब आगे की थोड़ी सी बातें कर लेंगे, थोड़ा सा आगे की बात कर लेते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं. विशाल काफी लेट जुड़े हो, सेजल विशाल राम तीनों काफी लेट जुड़े हैं,
थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाएगा, आज का वीडियो लेक्चर उतने अच्छा रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है, तो आई थिंक चलो नोटेशन ऑफ सेल लिखेंगे। नोटेशन ऑफ सेल में लिखेंगे सेल इज डिनोटेड बाई, इसको IUPAC नेम भी कहते हैं, सेल इज डिनोटेड बाई रिटेन रिटेन मेटल फर्स्ट सॉरी ऑक्सीडेशन सेल फर्स्ट एंड देन आफ्टर रिडक्शन सेल, ठीक है, आफ्टर में रिडक्शन सेल लेंगे। इन बिटवीन देयर इज द सॉल्ट ब्रिज, इन बिटवीन देयर इज द सॉल्ट ब्रिज एंड आगे लिखेंगे इसमें सेल नोटेशन थोड़ा देखो, एग्जांपल लिखेंगे, जैसे कोई भी सेल जो लिखते हैं उसमें पहले ऑक्सीडेशन लिखते हैं, ऑक्सीडेशन इसको एग्जांपल ही देना, उसी के अंदर लिखना ऑक्सीडेशन, इसके बाद से सॉल्ट ब्रिज देना, सॉल्ट ब्रिज को ऐसे डिनोट करते हैं, ये ऊपर जाके ऐसे फिर सॉल्ट ब्रिज बनाता है, देन रिडक्शन लिखते हैं, क्या लिखते हैं रिडक्शन। ऑक्सीडेशन को ऐसे लिख सकते क्या, एम से एम टू प्लस एम थ्री प्लस एम फोर प्लस कुछ भी जो भी दिया है, सॉल्ट ब्रिज और रिडक्शन, रिडक्शन लिखते हैं जैसे एन टू प्लस से एन रिडक्शन प्लस का घटना, ऐसा रिडक्शन लिखते हैं। जैसे एग्जांपल्स, ऐसे कोई सेल है, एग्जांपल देखेंगे, कोई सेल है जैसे जिंक से जिंक प्लस कॉपर टू प्लस गिव्स जिंक प्लस कॉपर जिंक टू प्लस प्लस कॉपर, इस सेल का सेल नोटेशन लिखना है, इस तरह से सेल लिखना है। तो पहले हम लोग ऑक्सीडेशन लिखेंगे, ऑक्सीडेशन हो किसका है जिंक का, तो लिखेंगे जिंक से जिंक टू प्लस बन रहा है, बोलो पहले ऑक्सीडेशन खत्म, देन सॉल्ट ब्रिज लगाएंगे एक लंबा सा, देन रिडक्शन, रिडक्शन कॉपर टू प्लस से कॉपर, क्या क्लियर है, क्या कोई दिक्कत नहीं है फिर, ठीक है। अगर मैं ऐसा लिखू एस एन प्लस फोर प्लस कॉपर, यहां पे बन गया कॉपर टू प्लस प्लस एस एन टू प्लस, अभी देखना इसका एस एन फोर प्लस से टू प्लस मतलब रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन मतलब उस साइड लिखेंगे, कॉपर से कॉपर टू प्लस मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन पहले लिखेंगे, सुनना कॉपर से कॉपर टू प्लस सॉल्ट ब्रिज क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हुआ, रिडक्शन इसको लिखेंगे एस एन फोर प्लस से एस एन टू प्लस, बोलो दो तीन एग्जांपल्स क्या, पांच छह एग्जांपल्स तुम लोग ऐसे ऐसे धक्का धक लिख सकते हो, इसमें कोई परेशानी नहीं है, इसमें है ही कुछ नहीं। इसके बाद सबसे मेन पॉइंट लिखेंगे, जल्दी जल्दी लिखते जाना, मैं बोलते जाऊंगा जल्दी जल्दी लिखना, सिग्निफिकेंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रिपल स्टार लगाना क्योंकि ये पूछा जा चुका है, सिग्निफिकेंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज का सिग्निफिकेंस मतलब यूजेस क्या है, ऐसा उस सॉल्ट ब्रिज लेने की जरूरत ही क्या है। तो सबसे पहले लिखना इट द सॉल्ट ब्रिज कंप्लीट द सर्किट दैट इज इट ज्वाइन द एनोड बीकर टू कैथोड बीकर, एनोड बीकर से कैथोड बीकर को ऐड करता है जिससे कि सर्किट कंप्लीट होता है। दूसरी पॉइंट, इट न्यूट्रलाइज द एनोड हाफ एंड कैथोड हाफ सच दैट इट इंक्रीज द लाइफ ऑफ सेल, दूसरी पॉइंट लिख लिए, ये लिख लेना अपना आराम से। तीसरी पॉइंट को लिखोगे इट मिनिमाइज द ईएमएफ फ्लक्चुएशन, इट मिनिमाइज द ईएमएफ फ्लक्चुएशन मतलब ईएमएफ की फ्लक्चुएशन जो होती है उसको मिनिमाइज करेगा क्योंकि ये न्यूट्रलाइज बनाए रखेगा जिससे कि फ्लक्चुएशन नहीं आएगा। अगले पॉइंट को लिखना इट प्रिवेंट, हाँ ये लिख सकते हो, इट प्रिवेंट द डिफ्यूजन ऑफ सोल्यूशन फ्रॉम एनोड टू कैथोड, एनोड से कैथोड में सोल्यूशन ना चला जाए उससे प्रिवेंशन करता है सॉल्ट ब्रिज। अगर सॉल्ट ब्रिज नहीं रहता तो न्यूट्रलाइज नहीं होता क्योंकि दोनों को एक दूसरे मिलाना होता, जैसे ये पूरा सोल्यूशन पॉजिटिव हो गया, ये पूरा सोल्यूशन निगेटिव हो गया, तो दोनों को एक दूसरे मिला देंगे तो फिर से न्यूट्रल हो जाता, लेकिन ऐसा करेंगे तो फिर से हमारा वन बीकर में ये सारे रिएक्शन होंगे जिसको बोलेंगे डायरेक्ट रिडॉक्स, हम लोग इनडायरेक्ट रिडॉक्स से पढ़ रहे थे, ठीक है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट रिडॉक्स के बीच का डिफरेंसेस भी है, उसको भी लिखवा दूंगा बोलोगे तो। आगे लिखेंगे इट प्रिवेंट टू फॉर्मेशन ऑफ क्या बोलते हैं उसको, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, इट प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल मतलब दोनों लिक्विड अगर निगेटिव पॉजिटिव एक जगह पे आता तो एक पोटेंशियल डेवलप करता है एक दूसरे में, उसको बनने से ये रोकता है, ठीक है, ये चार पांच पॉइंट्स है इसके बारे में। इसके बाद से लिखेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, फ्लक्चुएशन मतलब, हाँ फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशन मतलब अप डाउन करना, फ्लक्चुएट मतलब अप डाउन करना, जैसे कभी पोटेंशियल बढ़ जाना एकाएक, कभी घट जाना, तो वैसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे घटेगा कब, जब सॉल्यूशन पॉजिटिव होते जाएगा तो करंट का फ्लक्चुएशन होने जाएगा मतलब कम होते जाएगा, करंट कम होते जाएगा, जितना ज़्यादा सॉल्यूशन पॉजिटिव उतना ही ज़्यादा करंट कम,
अभी क्या है, सॉल्ट ब्रिज न्यूट्रलाइज कर देगा, तो मतलब सॉल्ट ब्रिज न्यूट्रलाइज अगर कर दिया एनोड कैथोड को, मतलब अब सॉल्यूशन ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है, मतलब वैसा ही जैसे शुरू में चल रहा था वैसा ही चलते रहेगा, इससे फ्लक्चुएशन नहीं होगा, जैसे ज़्यादा कम नहीं होगा करंट, ठीक है, फ्लक्चुएशन मतलब अप डाउन करना, ठीक है। आगे लिखेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, ये थोड़ा सा लास्ट कर लेंगे लेक्चर लिख के, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल थोड़ा सा जल्दी से लिखना, इसमें मैं समझा दूँ थोड़ा। इट इज द पोटेंशियल एराइजेज बिटवीन, इट इज द पोटेंशियल एराइजेज बिटवीन द इलेक्ट्रोड, सॉरी द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रोड एंड द चार्ज ऑफ द सोल्यूशन। देखना, अगर मान लेते ये इलेक्ट्रोड है, इसमें डीप किए इसके सॉल्ट सोल्यूशन में, तो ये इसका आइदर ऑक्सीडेशन होगा, आइदर रिडक्शन होगा, जो भी होगा, जिसके चलते इस पर चार्ज आएगा। अगर इस पर पॉजिटिव आता तो पूरा सोल्यूशन निगेटिव हो जाएगा। बोलो, अगर इसका रिडक्शन हुआ इस पूरे मेटल का, कल देखा था ना, रिडक्शन हुआ मतलब ये कैथोड है, तो कैथोड वाला उठा के देखो, उसमें पूरा पॉजिटिव आ जा रहा था, जिससे कि सॉल्यूशन पूरा निगेटिव हो रहा था। अब इस निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में जो पोटेंशियल आएंगे, पोटेंशियल मतलब टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये पूरा पॉजिटिव है ये पूरा निगेटिव है, तो वो जो क्षमता होता है निगेटिव पॉजिटिव के बीच में, पोटेंशियल्स एराइज होंगे, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इसमें साफ सब लिखेंगे द पोटेंशियल एराइजेज ड्यू टू अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड एंड द चार्ज सॉल्यूशन ऑफ एनोड और कैथोड, जो भी लिखवाया उधर में लिखना, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। इसमें लिखेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में, सुनना, वीडियो पॉज हो गया, लग रहा है कटेगा इसलिए मैं जल्दी, इसमें आगे थोड़ा सा लिख लेना, ओसोमोटिक प्रेशर, ओसोमोटिक प्रेशर, इसी में पॉइंट छोटा छोटा है इंपॉर्टेंट है इसलिए लिखवा देता हूँ। ओसोमोटिक प्रेशर में लिखना, इट इज द प्रेशर एराइजेस व्हेन मेटल मेटल आयन फ्रॉम द सॉल्यूशन, व्हेन द मेटल आयन फ्रॉम द सॉल्यूशन गोज टू द इलेक्ट्रोड, जब मेटल आयन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोड पे जाता है तो जो प्रेशर लगाता है सॉल्यूशन पे उसको बोलते हैं ओसोमोटिक प्रेशर, क्लियर। अगला पॉइंट में लिखेंगे, इसमें लिख सकते हैं ऐसे, ये छोटा छोटा डिफिनेशन है, मेटल टू प्लस जब मेटल बनता है दो इलेक्ट्रॉन लेके, तो ये सॉल्यूशन से जैसे CO2 प्लस आयन था, CO2 प्लस जाके इस पहले इलेक्ट्रोड पे एक्वायर हुआ, तो इस ये जो CO2 प्लस है ये प्रेशर जो अप्लाई कर रहा है पूरे सॉल्यूशन को पार करके जा रहा है, उस प्रेशर को बोलते हैं ऑसमोटिक प्रेशर। इसके बाद दूसरी पॉइंट में लिख लेंगे, दूसरी पॉइंट में लिखना है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रेशर, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रेशर, इसमें लिखना, इट इज द प्रेशर एराइजेस व्हेन व्हेन मेटल कन्वर्ट इनटू मेटल कन्वर्ट इनटू मेटल आयन, जैसे मान लेते ये इलेक्ट्रोड अभी दूसरी बार बना लेना, उसको बना लेना, उसमें इसको इधर बनाना, जब ये जिंक 2 प्लस में बदल रहा है तो ये लिक्विड के ऊपर कुछ प्रेशर लगा रहा होगा, ये पूरा सॉल्यूशन है तो इस लिक्विड सॉल्यूशन के ऊपर प्रेशर लगा रहा होगा, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रेशर, मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के ऊपर प्रेशर, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा एक छोटा सा पॉइंट लिख लेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड ऑन, किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट है, लास्ट पॉइंट है, जल्दी से छाप लो। पहला लिखेंगे नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, सॉरी नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड जितना जल्दी ऑक्सीडाइज होगा उतना ही जल्दी चार्ज गेन करेगा, और जितना जल्दी चार्ज गेन करेगा इसका मतलब उतना ही ज्यादा इस पे चार्ज आएगा, ऑपोजिट चार्ज इसमें आएगा, जिसके चलते पोटेंशियल उतना ही ज्यादा होगा। इसको लिख लेना नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड में, एज द इलेक्ट्रोड इज हाईली ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग नेचर, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मस्ट बी हायर, मतलब जितना ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूस करेगा उतना ही ज्यादा उसके पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होगा। दूसरी पॉइंट में लिखना कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, इसमें देखना कंसंट्रेशन ऑफ आयन अगर हाई होगा, कॉपर 2 प्लस इसमें बहुत ज्यादा है तो जल्दी जल्दी जाएगा, जिससे यहाँ पर 2 प्लस ज्यादा होएगा और निगेटिव इसमें ज्यादा आएगा, तो एज द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज हायर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मस्ट बी हायर, ठीक है। अगले पॉइंट में लिखेंगे टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या इफेक्ट करेगा, टेम्परेचर ग्रेटर करेंगे जिससे कि ये जल्दी जल्दी टूटेगा, जैसे मानते हैं यहाँ CO2 प्लस थोड़ी था, यहाँ तो CuSO4 था जो टूटने के बाद CO2 प्लस और SO4 2 माइनस बना रहा था, तो अगर टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो ये जल्दी जल्दी डिसोसिएट होगा, तो जितना जल्दी डिसोसिएट होगा CO2 प्लस उतना ही जल्दी जल्दी मूव करेगा, तो यहाँ पे टेम्परेचर ग्रेटर द टेम्परेचर ग्रेटर विल बी द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जल्दी से लेके इसको खत्म करेंगे। आज के लिए इतना काफी है, कल मिलते हैं क्योंकि